हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे कुछ कमेंट्स। नहीं पिछले व्लॉग में बोला था एंड हाँ, अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ। दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी थोड़ी बहुत ठीक, पूरी ठीक नहीं पर ठीक हूँ, ठीक है। एंड आज ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे फेस को देख के, यू नो वाई? बिकॉज पहले मेरे फेस पे ना पैचेस थे, कहीं कहीं टैबलेट्स खा खा के गर्मी हो गई थी, उसकी वजह से फेस पे पिंपल्स वगैरह स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी मुझे बीच में। बट अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल क्लीन स्किन हो चुकी है, मतलब मुझे मज़ा आता है मेरे फेस देख के। ये बातें हम करेंगे बाद में, अभी हम पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स जो कि सब तो नहीं पढ़ रही हम, बट जो मेन मेन है ना वो रीड करूँगी, ठीक है। सबसे पहला कमेंट है सोनिया ढांडा, बढ़िया कर रहा, ऐसा ही थोड़ा सुन लेंगे किसी की। यू डिड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच। ये मेरी ऐसी फ्रेंड है जो सच में किसी का भी मुंह तोड़ सकती है। और कोई है जिसने बोला है आज का व्लॉग मस्त था, मजा आ गया, लकी। थैंक यू सो मच। और इस पर किसी का नाम नहीं दिखा रहा, यूजर ओन टू क्यू एक्स ऐसा कुछ है, नेम सो नहीं हो रहा, बट कमेंट आया हुआ है, बहुत अच्छा किया दीदू आपने, मुझे और बुला लेते दोनों साथ मिलके, बहुत सुनाते उनको। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। किसी ने बोला है कि पुलिस रिपोर्ट करवा दो, उसकी डिटेल्स निकलवा लो उसकी। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। सिर्फ एक ही कॉल आया है, एक दो बार ही आया है, ज़्यादा बार आएगा तो पुलिस रिपोर्ट करना बनता है। हम ऐसे किसी की लाइफ के साथ मजाक नहीं कर सकते, है ना। आशीष है किसी का नाम, उनका आया है 4 साल पहले कॉल मेरे पास आई थी, बट गाली नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। शुक्र है तुम्हारे भाग अच्छे थे, तुम्हें गालियां नहीं खानी पड़ी। एकता शर्मा आया है, कसम से लकी मौज कर दी, अगले बंदे ने बेरा लग गया। किसका पंगा लिया उसने। चलो आज के लिए इतने कमेंट्स काफी हैं, आगे का वीडियो कंप्लीट देखो। हे एवरीवन, तो आज है 7 जून और आज है मेरा थर्ड एग्जाम जो कि हिंदी का है, और मतलब वाइट कोड रखा है ड्रेस का, क्योंकि आज सभी का सेम एग्जाम है, उसके बाद सबका अलग अलग होगा, तो आज हम देखेंगे कि सब वाइट ड्रेस डाल के आएंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ राइट करेंगे जो कि स्कूल में भी किया था। तो अभी मतलब तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कल मैंने बताया था कि वोमिट वगैरह हो रही थी, तो उसकी वजह से आज भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, और प्रिपरेशन भी मैंने बहुत मुश्किल से किया, रात को ही पढ़ा था मैंने, जो पढ़ा तो 2 बुक्स होते हैं, मैंने ना एक बुक तो याद कर ली थी, एक बुक रह गई थी, वो एक बुक कल रात को करी है बस, अब जितना भी करा है बस कल रात को ही किया है। आई होप कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। 12 बजे तक बैठ के मैंने पढ़ा है, दवाइयों की वजह से मेरे को इतनी नींद आ रही थी, इतना पेन हो रहा था ना पूरी बॉडी में, मुझे पता है मैंने सुबह का अलार्म लगाया था कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँ, बट कब अलार्म बजा, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता मुझे, शाबाश बेटा, सुना ही नहीं। एक बार सो गई फिर पूरी रात में उठी नहीं एक बार। तो चलो पहले रेडी होते हैं। ऐसा हुआ है कि मैंने मेरी बुक मेरे सामने रखी हुई है खोल के, वो ऐसा इसलिए रेडी होते होते मैंने इसको खोल के रखा हुआ है मेरे सामने, ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देख सकूँ। पहली बार ऐसा होने तो मैं कभी भी नहीं देखती ना ही, मतलब मैंने एक बार ऐसा होता रात को, जो मैंने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, मैं दोबारा बुक खोल के नहीं देखती। आप लोग सब कुछ जानते हो, मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं देखती चाहे कितना ही टाइम हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बुक को बार बार खोल कर देखना भी ठीक नहीं होता है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, याद करा ऐसा कचड़ पचड़ हो जाती है, मिक्स हो जाता है सब, तो एक बार कंसंट्रेट करके आप जो रात को रीड करते हो ना, वही आपके माइंड में बैठ जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। मुझे पता है अच्छा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी है उस हिसाब से तो अच्छा ही जाना चाहिए, देखते हैं बाकी। 3 hours later. मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, बट मैंने जितना याद किया उतना ही आया हुआ था, अच्छा हुआ। और इसे देखो ये क्या कर रही है, क्या लिख रहे हो आप? वाओ, आई एम वाओ, यस, ये मुझे वाओ समझती है इसलिए वाओ लिख रही है। आज कपड़े गंदे होंगे। मैं इस टी शर्ट को ना फ्रेम करवा के लगा दूंगी, ठीक है, कुछ टाइम। ये देखो क्या लिखा है इसने, वाओ, एक तूर सारा स्पेस तूने लिख लिया, बाकी कहाँ लिखेंगे, पीछे ऊपर, ये सारे अपनी बारी। मेरी तरफ से लिखिए सोनिया, मेरी तरफ से लिखिए लव यू। अब आए ना लाइन पे,
लिख दिए मतलब पूरा पूरा तो क्वेश्चन लिखने लग रही है मेरे ऊपर रहने दे इंग्लिश का पेपर हो लिया अपने मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस इसकी क्या लिखा है I wish you become a famous vlogger. All the best. Thank you so much. ये ले चिपक जा मैं भी नाम हूँ तू तेरा तो सबसे बड़ा होना चाहिए पूरा पीछा का बंदे तू हाँ दिखा ये तो मेरे सबसे गलत है देखते हैं क्या लिखेगी ठीक है कर दे कर नहीं आई मैं लेकिन उन्हीं काम के ताले मेरे जो खेले मैं दिखाऊंगा लिखो जल्दी आज का हाल है यार इस क्लोज है यार इस क्लोज है कितने फिर तो अभी जा रही हूँ बाकी फ्रेंड्स के पास जो कि पीछे पता नहीं कहाँ पार्किंग में खड़े हैं मेरे को बताया भी नहीं उधर है पार्किंग में सारे हैं वो आ जा सबकी करतूतें खत्म हो गई इसकी नहीं हुई अभी इसका बाकी है बाकी अभी इसका लिखा है ना ये मुझे पूरा का पूरा काम करने वाला है रोल करके दे दे मेरे को मैं खा लूंगी नहीं नहीं मैम ये कैसा हुआ थोड़े उठ गया हाँ ये क्या है इसने यो मन दे दे यो ना दे दे मन दे दे यो ले ले हाफ है यो वो ही नहीं खा ले नहीं है एवरीवन तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज गए हैं मैं उठी थी 5:30 बजे जो कि मैं मेरी मर्जी से नहीं उठी मेरे को वोमिट हो रही थी इस वजह से मुझे उठना पड़ा और अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ मैंने पानी गर्म किया सुबह सुबह इसको पीऊँगी अभी मैं 10 बजे उठती थी और अभी मेरे को 5 बजे उठना पड़ा ऐसा नहीं है कि मैं कभी उठी नहीं इतनी सुबह उठती थी डेली पहले जब एक्सरसाइज करती थी बट अब प्रॉब्लम की वजह से उठना पड़ रहा है मुझे इसे मैं पीऊँगी कॉफ़ी ठीक है अगर मैं कभी आपके घर आऊँ या मैं कहीं मिलूँ तो मुझे कॉफ़ी पिलाना चाय नहीं कॉफ़ी पिलाना ठीक है तिनी क्या कर रहा है सूरज सुबह सुबह का मौसम कितना मस्त है और 6 बजे इतनी तेज धूप निकल गई है हद है तीनों तो आप क्या कहना चाहते हो तो कौन सा गम है तुझसे आगे रे बाबा देखो फिनाइल के डब्बे में मेरी सिस्टर ने पौधे लगा रखे हैं ये मनी प्लांट ये है मिर्च का पौधा और ये बाल्टी भी खराब इसके अंदर लगा रखा है टमाटर ये खराब हो रहे हैं इसके पत्ते पता नहीं क्या हो गया इसको फूल आए हुए हैं आपके कमेंट आज के कमेंट्स आपको अच्छे लगे होंगे आगे आगे और कमेंट्स करना सबके कमेंट्स में मेंशन करती रहूंगी साथ के साथ ओके okay.